नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या से आए संत आचार्य रघुनाथ दास जी त्रिपाठी के मुखारविंद से कंस वध की कथा सुनाएं। बस्ती जिले के रुधौली नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 दीनदयाल उपाध्याय नगर में चल रहे श्रीमद् भागवत पुराण कथा के सातवें दिन कंस वध की कथा सुनाई गई। आचार्य रघुनंदन दास त्रिपाठी महाराज के मुखारविंद से कंस वध की कथा का वर्णन किया गया। अक्रूर जी के साथ जहां कृष्ण जी मथुरा में पधारे, मथुरा में आओ भगत का किया गया। सबसे पहले द्वार पर केवल ईरावत हाथी द्वारा बलराम और कृष्ण के साथ घोर युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण द्वारा एवं रावत के दांत को उठाकर हाथी सहित पटक दिया गया। घर के साथ आकाश में गुंजन हुआ और लोग भयभीत हो गए। उसके बलराम और कृष्ण द्वारा कंस के राजमहल गए। वहीं पहलवानों से कुश्ती हुई, कुश्ती में सारे पहलवान धारादस्त हो गए। ऐसी स्थिति में कंस भयभीत हुआ और भागने लगा। कृष्ण द्वारा कंस की गर्दन पकड़ते हुए उसका वध किया गया और आगे कथा आठवें दिन आचार्य रघुनाथ महाराज के मुखारविंद से सुनाई जाएगी। इस मौके पर जजमान शीला पांडे, वशिष्ठ कुमार पांडे, आलोक पांडे, आदित्य पांडे और समस्त वार्ड निवासी श्रोतागण उपस्थित रहे। बस्ती जिले से ब्यूरो अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए मांगे। हम पार तेरा क्या पाए, बस श्रीमद् भागवत पुराण की। गोपाल मेरो है और प्रभा के बिहारी, नंदलाल मेरो है गोविंद में। खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।